Assalamualaikum dear friends, today I am going to talk about all the antigens. जो मेरा previous video था, जो मैंने upload किया था, वहाँ पे मैंने आपके साथ बात की थी antigen क्या होता है basically, and मैंने आपके साथ बात की थी कि जो classification of antigen है, उस पे मैंने बात की थी. तीन classification हमने पढ़ी. पहली वाली classification जिसमें दो types थे, एक वहाँ पे complete antigens हमने पढ़ा, and दूसरा वहाँ पे heptens हमने पढ़ा. दूसरी वाली classification वहाँ पे भी दो types थे, T cell independent antigens and T cell dependent antigens. And जो तीसरी वाली classification थी, वहाँ पे मैंने आपके साथ बात की थी चार टाइप्स है, जीरो एंटीजन्स है, ऑटो एंटीजन्स है, एलो एंटीजन्स है एंड हीटेरियोफिलिक एंटीजन्स है. अब हम चौथी क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, जिसका पहला वाला टाइप है इम्यूनोजिन. इम्यूनोजिन दिस इज बेस्ड ऑन द इम्यूनोजेनिसिटी. इनकी इम्यूनोजेनिसिटी क्या होगी, सो उस बेसिस पे जो एंटीजन है वो क्लासिफाई किया है फॉलोइंग टाइप्स में. पहला वाला हमने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे इम्यूनोजेंस. इम्यूनोजेंस क्या होता है? इम्यूनोजेंस वो एंटीजन होते हैं, दोज एंटीजन्स विच स्टिमुलेट इम्यून रेस्पॉन्स टूवर्ड्स ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन. यहां पर मैं बोर्ड भी लिखा है कि जो इम्यूनोजेंस है, इम्यूनोजेंस क्या है बेसिकली, दीज आर द एंटीजेंस. एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस वो होते हैं जो इवोक करते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन. सो बेसिकली जो इम्यूनोजेंस है ये एंटीजेंस है, ठीक है. ये एंटीजेंस क्या होते हैं? दोज एंटीजेंस विच स्टिमुलेट इम्यून रेस्पॉन्स टूवर्ड्स ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन. सपोज किसी इंसान ने ट्रांसप्लांटेशन की, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता जो कोई भी, मतलब उसको किडनी फेलियर था. सो किसी को भी जब भी, मतलब किसी को किडनी फेलियर होता है, वो क्या करता है? फिर वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करता है. फिर वहां पे जो एंटीजन्स होंगे, वो सबस्टेंस जो इसके खिलाफ कोई इम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलेट करेंगे, मतलब ये वो एंटीजन्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इवोक करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं. उसको स्टिमुलेट करने के बाद क्या करता है इम्यून सिस्टम? उसके खिलाफ एक एक्शन लेता है, फिर वो रिजेक्शन होती है. इसीलिए जब भी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, वहां पे ग्रुपिंग देखी जाती है. सो इम्यूनोजेंस क्या होते हैं? इम्यूनोजेंस बेसिकली एंटीजेंस होते हैं, ये वो एंटीजेंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. क्यों करते हैं स्टिमुलेट? अगेंस्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन. जो भी हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होगा, जब भी कोई भी इंसान ट्रांसप्लांटेशन करता है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे कोई भी ट्रांसप्लांटेशन हो, उसके खिलाफ जो भी एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को होशियार करेगा, क्या बोलेगा इस इम्यून सिस्टम को ये बोल रहा है कि भाई आपके बॉडी में कोई अजनबी ऑर्गन है, कोई अननोन ऑर्गन है, जो ऑर्गन आपकी बॉडी से नहीं मिलता है, जो आपकी बॉडी से सिमिलर नहीं है. इसीलिए फिर इम्यून सिस्टम क्या करता है? फिर इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्शन लेता है, वहां पे रिजेक्शन होती है, ठीक है ना. सो इसी तरह ये थे इम्यूनोजेंस. अब हम दूसरे एंटीजेंस देखेंगे, दूसरा टाइप कौन सा है. अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप पे. दूसरा टाइप हमारे पास है टॉलेरोजेंस क्या होते हैं? ये वो एंटीजेंस होते हैं, दोज एंटीजेंस विच इंड्यूस इंड्यूस करते हैं इम्यूनो टॉलरेंस. वो एंटीजेंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ठीक है, टॉलरेंस इंक्रीज करते हैं. सो अब कोई मुझे बोलेगा कि किस तरह ये
इंड्यूस करते हैं सिट्रंग इम्यून सिस्टम का, हालांकि ये इम्यून सिस्टम के लिए अपोजिट है, एंटीजन्स इम्यून सिस्टम के लिए अपोजिट होते हैं। ये कैसे इसका इंड्यूस मतलब इसकी सिट्रंग इंड्यूस कर सकता है, मतलब जब भी एक बॉडी को किसी एंटीजन के साथ, किसी फॉरिन पार्टिकल के साथ एनकाउंटर होता है ठीक है ना। सपोज कोई एंटीजन आ गया मेरी बॉडी में चला गया, ठीक है ना, मेरी बॉडी एंड इस एंटीजन के खिलाफ एक एनकाउंटर होता है, वहां पे एक रिएक्शन होती है, जो मैंने आपको कल बोली इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। इससे क्या होता है, इससे जो मेरा इम्यून सिस्टम होता है वो इस एंटीजन को जो मेरे बॉडी में गया, इस एंटीजन को डिटेक्ट करता है, इस एंटीजन का स्ट्रक्चर पढ़ता है, इस एंटीजन का स्ट्रक्चर स्टडी करता है एंड इस एंटीजन का बहुत सारी फ्यूचर स्टडी करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मेरा इम्यून सिस्टम है उसकी टॉलरेंस इंक्रीज होगी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्यों स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि उनको उसको पता है, आप उस इम्यून सिस्टम मेरे इम्यून सिस्टम को पता है कि ये एंटीजन कैसे अटैक कर सकता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब अगर कोई और एंटीजन आएगा, अगर उसको इस एंटीजन के साथ स्ट्रक्चर मिलता होगा, तो वहां पे जो मेरा इम्यून सिस्टम होगा वहां पे वो तरीन रेस्पॉन्स दे सकता है। इसी तरह ये वो एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं। सपोज कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में जाएगा, फिर हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा, उसकी स्ट्रेंथ इंड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा, टॉलरेंस इंक्रीज करेगा, उनको हम कहते हैं टॉलरोजेंस। अब आते हैं हम तीसरे टाइप पे, तीसरा टाइप है एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेंस वो एंटीजन होते हैं, दोज एंटीजन विच कॉजेस एलर्जी। सपोज कोई भी एंटीजन मेरी बॉडी में चला गया, ठीक है ना, कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी सबस्टेंस मेरी बॉडी में चला गया, उसने मेरी बॉडी में एलर्जी कॉज की। उन एंटीजन, उन सबस्टेंस, उन फॉरेन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एलर्जेंस। अब लास्ट टाइप है एंटीजन का, वहां पे ये क्या है, ये एंटीजन्स वैक्सीन। कौन एंटीजन्स होते हैं, दोज एंटीजन्स विच एक्ट्स एज वैक्सीन। अभी तक आपने पढ़ा है कि जो एंटीजन्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, बट अब आपने देखा है कि एंटीजन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कौन सी वाले एंटीजन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एंटीजन्स वैक्सीन। ये एंटीजन्स वैक्सीन क्या होता है, सपोज कोई भी बैक्टीरिया, सपोज किसी बैक्टीरिया की इंफेक्शन होती है, किसी वायरस की इंफेक्शन होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, इसका डेड पॉट हम लाते हैं, इसी बैक्टीरिया का जिसने अंदर में इंफेक्शन काज की, इसी का डेड पॉट हम लाते हैं या हाफ डेड पॉट लाते हैं, वही हम इंजेक्ट करते हैं, वही हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में। वो क्या करता है, वहां पे एक्ट, वो करता है एक्ट एज अ वैक्सीन, वो उस बैक्टीरिया के खिलाफ वहां पे लड़ता है, सो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो वो एंटीजन जो एक्ट करेंगे एज अ वैक्सीन एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका नाम है एंटीजन्स वैक्सीन। ये थी क्लासिफिकेशन, चार क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोला एंटीजन की। पहली क्लासिफिकेशन कंप्लीट एंटीजन एंड हैप्टिन, दूसरी क्लासिफिकेशन टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन एंड टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन, एंड तीसरी क्लासिफिकेशन जीनो एंटीजन, एलो एंटीजन, हेटीरियो एंटीजन एंड ऑटो एंटीजन की बात हमने की थी। इसी तरह अब चौथी क्लासिफिकेशन आज हमने पढ़ी है, वहां पे हमने देखा कि इम्यूनोजेंस होते हैं, टॉलरोजेंस होते हैं, ठीक है ना, इम्यूनोजेंस होते हैं, टॉलरोजेंस होते हैं, एंटीजेंस वैक्सीन होता है, ठीक है ना, और एक टाइप हमने पढ़ा है वो क्या है, वो है एलर्जन। ये थी क्लासिफिकेशन एंटीजन की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में पहली वाली है साइज। साइज में आपने याद रखना है कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन होते हैं वो हाईली एंटीजेनिक होते हैं एंड जो लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन होंगे वो लो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। सो प्रॉपर्टीज में पहले वाली प्रॉपर्टीज साइज। सो साइज में आपने याद रखा है कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन होते हैं, जो भी एंटीजन जिसका
जिसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट वेरी हाई होगा, वो हाईली एंटीजेनिक होगा. हाईली एंटीजेनिक मींस वो हाईली इन्फेक्शियस होगा, ठीक है ना, वो हाईली इन्फेक्टिव होगा. इसी तरह जो लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, वो लेस इन्फेक्टिव होगा, लेस इन्फेक्शियस होगा एंड लेस एंटीजेनिक होगा. अब दूसरी प्रॉपर्टीज पे हमने बात करनी है, वो है केमिकल नेचर. केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, मतलब इनका केमिकल नेचर क्या है, मतलब इनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना. मेनली जो एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना. जैसे मैंने आपको बोला एंटीबॉडीज, वो भी प्रोटीन्स होते हैं. कभी कभार पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स. बट मेनली आपको याद रखना है कि जो भी एंटीजन होगी, जो भी एंटीजन, मोस्टली जो भी एंटीजन मतलब एग्जिस्ट होती है वो प्रोटीनशस होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है. बट कुछ पॉलीसैकेराइड्स की भी बनी होती है. ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई एंटीजन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड की बनी होगी, वो होगी लेस एंटीजेनिक, वो होगी लेस इन्फेक्टिव, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है. जो भी एंटीजन, जो भी फॉरेन पार्टिकल लिपिड प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होगा, वो लेस एंटीजेनिक होता है. गाइस, अब आपको थोड़ा सा यहां पे मैं कुछ बोलना चाहता हूं. ये क्या है, ये है एंटीजन, ठीक है ना. ये क्या है, ये एंटीबॉडी. जब ये एंटीजन है एंटीबॉडी हमारी बॉडी में मिलते हैं ना, उनको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस. अगर हम इन वाइवो दीज रिएक्शंस करेंगे, इन वाइवो ये खुद होती है, ठीक है ना, लाइक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, वो हमारी बॉडी में होती है, उनको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस. आपको ये याद रखना है कि अगर एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन वाइवो मिलेंगे, इन वाइवो रिएक्ट करेंगे, हमारी बॉडी में रिएक्ट करेंगे, उनको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस. ये आपको याद रखना है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, ये आपको याद रखना है. बट अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी, सपोज लेबोरेटरी में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एंटीजन लाते हैं, एंटीबॉडी लाते हैं, जो मतलब आर्टिफिशियली वो मतलब इनको रिएक्ट करवाते हैं, फेवरेबल जो भी मतलब एटमोसफेयर होता है वो मतलब प्रोवाइड करते हैं, एंड दीज रिएक्शन कैरी आउट करते हैं बट इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, उनको हम कहते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शन, सीरोलॉजिकल रिएक्शन, सीरोलॉजिकल रिएक्शन. बट आपको ये याद रखना है कि एंटीबॉडी एंड एंटीजन कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं. ये आपको मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि मतलब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पे होगा, मतलब जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगी, जिनको हम कहते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शन या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, वो हम बात करेंगे उस वीडियो में. बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो एंटीजन होगा, एंटीजन का होता है एपिटोप, एपिटोप, एंड जो एंटीबॉडी होता होता है उसका होता है पैराटोप. पैराटोप वो पार्ट होता है एंटीबॉडी का, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी. ये क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो इस एपिटोप के साथ बाइंड होता है. जब इनके दरमियान रिएक्शन होती है, जब इनके दरमियान एनकाउंटर होता है, एंटीबॉडी एंटीजन जब मिलते हैं, सो एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट मिलता है एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी का पैराटोप पार्ट, जो पैराटोप पार्ट एंटीबॉडी का होगा वो मिलता है एंटीजन के साथ. बट एंटीजन के किसके किस पार्ट से मिलते हैं, वो है एपिटोप. सो एंटीजन के साथ रिलेटेड होता है एपिटोप, ये इसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो ये वो पार्ट होता है जो पैराटोप एंटीबॉडी के साथ मिलता है. फिर उसके बाद रिएक्शन होती है. रिएक्शन में बहुत सारी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, टर्शियरी स्टेज है, एंड आफ्टर दैट अगर इनमें कोई भी मतलब स्टेज रिवर्सिबल होगा, मतलब रिवर्स होगा, इन रिवर्स मैनर जाएगा, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो होगा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस या सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, वहां पे हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सीरोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है ना, एंड इसकी स्टेजेस कितने हैं, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमने पढ़नी है. फिर हम वन बाय वन इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे. ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब मतलब आप ये रिएक्शंस पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ हमने सीखा है
कुछ, क्योंकि ये वो रिएक्शन से जो अट्रैक्ट हुए मुझे लगता है कि जब मैंने पढ़ी ये रिएक्शंस, मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया मेडिकल फील्ड से, मेडिकल प्रोफेशन से, क्योंकि ये वो मतलब रिएक्शंस है जहां पे एक इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो आपको मतलब आराम से मेरी वीडियोस देखने, जो भी मतलब जो भी मैंने बात की, मतलब आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स, देखना इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, इम्यूनिटी के फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन कौन है, ठीक है ना, कितने टाइप्स के है, वहां पे क्या होता है, एंटीबॉडी कैसी सिंथेसिस होती है, क्यों होती है, कौन करवाता है। सो फिर आपको एंटीबॉडी, वहां पे एंटीबॉडी का वीडियोस दो मिलेंगे, एंटीजन के ये और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो दो वीडियोस। सो ये सारा मतलब आप मतलब याद करो, आप इन वीडियोस पे मतलब डटे रहो, इन वीडियोस को समझो, एंड उसके बाद ही आपको रिएक्शन समझ आएंगे। थैंक यू, बाय।